सब्सक्राइब करें एसएस कोचिंग चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस कोचिंग। मैं हूं राहुल सिंह और आज हम आपको इस वीडियो में सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने आपको दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 तुगलक डायनेस्टी के बारे में बताया है, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको तुगलक वंश के बारे में बताया था, जिसमें हम आपको एक पॉइंट बताना भूल गए थे, आइए उसे भी देख लेते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद सिटी को इस्टेब्लिश किया, जो आज काफ़ी फेमस है दिल्ली में। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं सैयद वंश के बारे में, ये भारत में कैसे इस्टेब्लिश हुआ और इनके इस्टेब्लिश होने से पहले तैमूरों का भारत पर आक्रमण 398 से 399। तैमूर कौन थे? तैमूर मंगोलिया के एरिया में रहते थे, ये चंगेज खां के वंशज थे। तैमूर जब भारत आए तो उन्होंने काफ़ी दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम मचाया और पूरी दिल्ली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया और वापस चले गए, लेकिन ये सिर्फ लूटने के मकसद से भारत आए। तैमूर जब भारत से वापस गए तब जाते समय वे अपना नॉमिनी अपॉइंट कर गए खिज्र खां को। खिज्र खां ही हमारे सैयद वंश के फाउंडर हैं। इसके बाद जो रूलर आते हैं, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। सैयद वंश में हमारे लिए सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि सैयद वंश के फाउंडर कौन थे और लास्ट रूलर कौन थे, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ामों में यही क्वेश्चन आते हैं। और इन्हीं के टाइम में एक बुक लिखी गई तरीके मुबारक शाही, जिसमें इनके टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। एसएससी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि तरीके मुबारक शाही किसके टाइम पीरियड में लिखी गई, और वो है हमारा सैयद वंश। इसके बाद आता है हमारा लोदी वंश। लोदी वंश के फाउंडर है हमारे बहलोल लोदी। इनके बारे में सिर्फ हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है कि लोदी वंश के फाउंडर कौन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो हमारे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दो इम्पोर्टेंट काम किए, फर्स्ट 1504 में आगरा की स्थापना की और सेकंड आगरा को अपनी कैपिटल बनाया। इसी आगरा में शाहजहाँ फिर बाद में मोती मस्जिद और आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं लास्ट रूलर जो आते हैं हमारे इब्राहिम लोधी। इन्हीं के टाइम में एक फेमस लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ पानीपत, 21 अप्रैल 1526 को। ये लड़ाई जो लड़ी गई इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें हमारे बाबर विजय रहे और इसी के साथ हमारी दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य का आगमन होता है। इसके बाद हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाबर के बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।